जनरल स्टोर का बिल बनाना हो एमएस एक्सेल में, उसके लिए हम किसी जनरल स्टोर का नेम ऑफ एंड सीरियल नंबर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट निकालेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले दे देते हैं सीरियल नंबर, क्वांटिटी, क्या आया पहले, नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ, सॉरी, क्वांटिटी, और सीरियल नंबर में मान लीजिए हमें तीन चार मतलब ऐसे नेम ऑफ आइटम का बिल बनाना हो। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम यानी जो सामान खरीदे रहेंगे उसका नाम लिख देंगे। क्वांटिटी जितना मैं अगर जितना वो उसका जितना हम लिए रहेंगे उससे टाइप कर देंगे, और रेट यानी कितने दाम में हमने क्या क्या खरीदा है उसको टाइप कर देंगे। और हमें इन सारे जो सामान खरीदे हुए इनका हमें रेट निकालना है, तो हम बारी बारी से निकालेंगे तो बहुत सारे समय लग जाएगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला तैयार किया है, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू, और हमें देखना है क्वांटिटी यानी कितना किलो है, कितने के दाम से हमने लिया है, उस कॉलम और रो को हमें सेलेक्ट करना है। तो हमने हमें किस कॉलम में है, C2 यानी टू रो, तो यहाँ टू सेलेक्ट हुआ, और हमें गुना करना है रेट से यानी कितना दाम है तो सर, तो इससे पहले गुना का सिंबल, और यहाँ हमें किसमें क्वांटिटी से रेट में हमें गुना करने दो, D2 को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें क्या करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे, यानी हमारा 15,000 का बिल हुआ एक सामान का। और हम ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे बहुत सारे तो समय लगेगा, इस यहाँ प्लस का निशान दिया हुआ है यहाँ पर, ताकि इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। देखिए सबका अमाउंट निकल गया है, और हम चाहते हैं इस अमाउंट का टोटल अमाउंट निकल गया, उसके लिए भी फॉर्मूला है, यहाँ पर टोटल लिख देते हैं पहले टोटल। अब टोटल इन सारे अमाउंट का टोटल कितना हुआ उसके लिए भी फॉर्मूला है, इक्वल टू सम कॉस्ट। अब देखना है पहले ये वाला कॉलम रो में, तो इस वाले कॉलम रो को सिलेक्ट करेंगे E2, और हमारे कहां तक के जा रहा है, E6 यानी पहले दो डॉट डॉट सॉरी यहाँ पे डॉट लिखेंगे दो। अब हमने इस कॉलम को सिलेक्ट होकर लिए हैं पहले, अब इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है E6, यहाँ रो हमारा आ गया, इस नंबर से हमें मतलब है ना ही इससे, यहाँ इससे सिलेक्ट हो गया और हमारा पूरा सिलेक्ट कर लिया, और कोष्ट बंद करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे, यानी हमारा पूरा का टोटल अमाउंट इतना निकल के आ गया। और इसमें हम चाहते हैं कि बॉर्डर वॉर्डर लगाना, तो यहाँ पर टेक्स्ट में बॉर्डर लग जाएगा, उसके बैकग्राउंड में बॉर्डर लग जाएगा यहाँ पे,
आप अपने मर्जी से लगा रहे हैं जो अच्छा दिखे, यहाँ पे बॉर्डर लगे। ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें।